तो दोस्तों, अगर आप रोज रोज एक ही सब्जी खाकर बोर हो चुके हो तो आप ये बेसन की नई सब्जी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और साथ ही राजस्थान की ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे आपको हर जगह ये सब्जी आसानी से खाने को मिल जाएगी। बनाना है बहुत आसान, तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GS रसोई में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों आज की ये बेसन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बेसन ले लिया है, आप अपने हिसाब से बेसन कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 लोगों के हिसाब से ये सब्जी बनानी है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। अगर दोस्तों ये सब्जी बच भी जाएगी तो आप अगले दिन भी इस सब्जी को खाएंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूँगा 1 चम्मच अजवाइन, और फिर इसमें ऐड करूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच मोटी सौंफ, ये भी ऐड कर देना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ली है, इसको मैं क्रश करके इसमें ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहे इसमें दही भी डाल सकते हो, आप चाहे इसमें मीठा सोडा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये चीज़ें नहीं डाली है। फिर जब मैंने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं तो एक बार मैंने मसालों को इसके अंदर बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। ऑयल जो मसाले हैं वो बेसन के साथ जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे। दोस्तों, इसको आटे की तरह हमने लूज नहीं गूंदना है, क्योंकि इसको हमने सख्त रखना है, यानी कि टाइट गूंदना है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हमने गूंद लेना है। बेसन की ये सब्जी खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, साथ ही इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। हफ्ते में आप एक बार ही इस सब्जी को बना पाएंगे। सब्जी बनाने से पहले हमेशा यही सोचना पड़ता है कि सब्जी में आज क्या बनाए। तो आप रोज़ रोज़ अगर एक ही तरह की सब्जी बनाते हैं तो इस नई बेसन की सब्जी को भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है। और ये देखिए, मैंने इसको पहले तो एक लोई बना ली है, और देखिए बेसन मेरा 400 ग्राम था, तो ये देखिए कितना थोड़ा सा हो गया है। और इसको एक बार ओढ़ के अच्छे से और मिक्स कर देना है, ये देखिए कितना सख्त बेसन हो चुका है। और साथ ही ये जो बर्तन में हम इसको गूंद रहे हैं उसमें भी नहीं चिपका है, हमने अच्छे से मसल के इस तरीके से गूंद लेना है, क्योंकि जब तक इसमें मसाले अच्छे से मिक्स ना हो तब तक इसमें टेस्ट नहीं आएगा। अब हमने बेसन का डो तैयार कर लिया है, जो कि बहुत ही हार्ड बना है। तो अब हमने एक स्लैब को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है 2-3 बारी। फिर जो हमने बेसन का डो लगाया है इसको हमने इस तरीके से इसको फैला देना है, यानी इसको गोला लंबा सा शेप बना देना है। आप चाहे तो इसके 2-3 टुकड़े करके भी इसको बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक ही डो था, थोड़ा सा था, तो इसलिए मैंने पहले इसका एक ही लंबा सा लोई इसकी बना ली है। और इसको मैं आप तोड़ के इसका फिर से छोटे टुकड़े करके इसको फिर से मैं बारीक कर दूंगा। बारीक इसलिए करना है दोस्तों, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे ना, अगर छोटे छोटे पीस करेंगे तो उसको इसके अंदर मसाला ईजिली चला जाएगा। इसमें हमने जो जो मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर तो आएगा ही, लेकिन साथ में ये सॉफ्ट भी होगा खाने में। तो इस तरीके से मैंने इसके लंबे साइज़ के लोई बना लिया है, और इसको 2-2, 3-3 पीस करके रख लिए हैं। अब इस तरीके से मैंने इनको रख लिया है तैयार करके। इसको राजस्थानी भाषा में बोले तो इसको गट्टे भी कह सकते हैं, तो उससे थोड़ा डिफरेंस स्टाइल में मैं आज इनको बनाने जा रहा हूँ। तो इनको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा और छोटे पीस में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक पतीले में 2 लीटर पानी डाल दिया है, ये पानी जो है पीने वाला है, यानी कि साफ पानी है। तो इसको हमने पहले एक बारी बॉइल कर लेना है। अब देखिए हमारे पानी बॉइल हो चुका है, और अब हमने जो बेसन के छोटे साइज के पीस किए थे उन्हें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। बेसन के मैंने छोटे पीस इसलिए किए थे क्योंकि जो हलवाई वाले ज़्यादातर इस सब्जी को बनाते हैं तो वो लंबे पीस ही रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटे पीस इसलिए किए हैं क्योंकि मेरे पास बर्तन छोटा था, और हलवाई के पास तो बहुत बड़ा बर्तन होता, तो उसके अंदर आप लंबे पीस भी आराम से डाल सकते हैं। इनको हमने अच्छे से उबालते जाना है, तब तक उबालना है जब तक ये अच्छी तरीके से, और इस पर आपको दाने दाने से नजर आए। तो ये देखिए मैंने एक पीस को कट करके भी देख लिया है, और ये बेसन जो कट्टे हैं ये अच्छे से उबल चुके हैं, इन पे आप देख रहे होंगे इन पे दाने दाने भी हो चुके हैं। तो ये इसकी पहचान है कि परफेक्ट आपके बेसन के कट्टे बन के तैयार हुए हैं, और साथ ही बॉइल भी हो चुके हैं। अब जो इसका पानी बचा हुआ है ना, इसको मैं बाद में इसकी ग्रेवी में यूज़ करूँगा, तो आप देखते जाइएगा। बेसन के कट्टे को मैंने उबालने रखा था, ये उबल के रेडी हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल के रख लूँगा
और इनको मैं हवा में रख दूंगा ताकि ये अच्छे से सूख जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। अब इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े साइज़ के टमाटर और 4 छोटे साइज़ के प्याज, 1 कटोरी दही और साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इससे भी इसमें और मसाले ऐड होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर टमाटर को मैं पहले इस तरह मोटे मोटे पीस करके इनको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, साथ में जो प्याज है इसको हम किया कस कर लेंगे, यानी कि इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। प्याज को कद्दूकस करने से एक तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना पड़ता है, साथ ही ग्रेवी हमारी परफेक्ट बनती है और टाइम भी इसमें कम लगता है। तो प्याज को भी हमने अच्छे से घिया कस कर लिया, इसको भी हमने रख लेना है साइड में। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में अंदर डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को पहले अच्छी तरीके से हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद उसमें डाला 1 चम्मच सरसों और फिर उसमें ऐड किया 1/2 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च मैंने ऐड किया है, साथ ही 1 चम्मच अदरक पेस्ट और 1 चम्मच मैंने ऐड किया इसमें लहसुन पेस्ट। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ था। उसके बाद जो प्याज हमने कद्दूकस करके रखा था उसको हमने निचोड़ के फिर इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हमने थोड़ी देर तक भून लेना है और उसके बाद मैं ऐड करेंगे मसाले। फिर मैंने इसमें ऐड किया 1/2 चम्मच देगी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ऐड किया इसमें धनिया पाउडर। इसको हमने मसाले के साथ थोड़ी देर तक भून लेना है, साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे जिससे कि मसाले हमारे जले ना। अब थोड़ी देर तक हमने इसको भून लिया है, उसके बाद जो हमने टमाटर को मिक्सी करके रखा हुआ था वो हमने ऐड कर देना है और मसाले में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को हमने तब तक पका लेना है जब तक कि मसाला अच्छे से बॉइल नहीं छोड़ देता है। अब साथ ही जो गट्टे हमने बॉइल करके रखे थे उनको हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेना, मैंने त्रिकोणा शेप में काटा है, आप चाहे तो अपने हिसाब से वो कट कर सकते हैं। साथ ही जो मसाला था उसने भी अब ऑयल छोड़ दिया है। ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन और इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच बेसन डालने से मसाला जो ग्रेवी है ना हमारा वो बहुत ही अच्छे बनके तैयार होगी। जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो तब तक हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें दही ऐड करना है। नमक पहले डालने से दही जो है मसाले में फट सकता है। ऐड कर देना इसमें 1 कटोरी दही। दही को भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है मसाले के साथ में और दही को आ चुका है 1 उबाला और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो गट्टे हमने तैयार करके रखे हुए हैं, इनको भी हम अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक मसाले के साथ ही इस तरीके से पकाएंगे लो फ्लेम पर। और जैसे ही मसाले में गट्टे अच्छे से पक जाए उनके अंदर मसाला भी अच्छी तरीके से चला जाएगा, पानी हमने जो बचाया था ना गट्टे उबाल के वही पानी ऐड कर देना है। और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर से हमने इसको 1-2 उबाले और दे देना है, यानी कि इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख लेना है पकने के लिए। तो ये देखिए हमारी ये बेसन की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार ही जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GS रसोई चैनल। मिलते हैं फिर से एक ऐसी नई रेसिपी के साथ।